How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study shelter for everyone. We already know we all need a shelter to live. A shelter protect us from harsh weather conditions, stray animals, and thieves. We will know why people build different types of houses. Living together, animals that live together.

डिफरेंट रीजन होते हैं डिपेंड करते हैं जो कि जो घर है वो डिफरेंट टाइप्स के बनाए जाते हैं अब उसके डिफरेंट रीजन होते हैं आइए जानते हैं वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज लोग अलग अलग तरीके के घर क्यों बनाते हैं देर आर मैनी रीजन वाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज लेट एस रीड अबाउट देम ओके बहुत सारे रीजनस है आइए पढ़ते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन हाउस मस्ट सूट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस इन विच इट इज बिल्ट लेट अस रीड अबाउट द हाउसेज़ ऑफ डिफरेंट प्लेसेस देखिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सूट करनी चाहिए हाउस उस हिसाब से बनाया जाता है आइए उसके बारे में पढ़ते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हाउस मस सूट द कलाइमेटिक्लेस इन विच इट इज बिल्ड लेट अस रीड अबाउट दिफरेंट प्लेस देखिए किसी भी एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हाउस को क्या किया जाता है बनाया जाता है फॉर एग्जाम्पल हॉट प्लेसिज इन प्लेस विच एक्सपीरियंस अ हॉट क्लाइमेट हाउसेज यूजअली हैव थिक वॉल्स हाई सीलिंग्स एंड फ्लैट रूफ्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसेज thick walls and high ceilings keep the houses clean, cool the roof is used to by the people to sleep on at अट नाइट देखिए हॉट प्लेसेस में जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं काफ़ी थिक होती हैं सीलिंग्स जो होती है काफ़ी हाई होती हैं तो हाई सीलिंग्स और थिक uh, वॉल्स की वजह से जो घर है वो ठंडा रहता है ओके okay? और लोग क्या करते हैं गर्मियों में अपने रूफ टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं रात को सोने के लिए ओके okay? Cold places in hilly and mountain regions, houses are made of wood. They usually have sloping roofs because sloping roofs do not allow rain, water, and snow to collect and prevent the houses from becoming cold and damp. Some houses also have फायर प्लेसेस टू कीप द रूम्स वॉम देखिए जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं उनके जो हाउसेस होते हैं उनकी रूफ जो होती हैं वो इस तरीके से स्लोपी बनाई जाती हैं तो जब भी रेन वाटर आता है या फिर स्नो फॉल होती है तो वो इजीली स्लाइड करके नीचे चले जाती है जिसकी वजह से जो घर हैं उनके वहाँ पर स्नो या फिर रेन वाटर कलेक्ट नहीं होता या जो हाउस है वो डम्प में नहीं जाता ओके ये प्रिवेंट करता है हाउसेस को कोल्ड या डंप में जाने

आर्कटिक रीजन में क्या होता है स्नो हमेशा रहती है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्कीमोज जो इग्लूज में रहते हैं वो इग्लू बिल्ड करते हैं और अपने जो फ्लोर है वहाँ पे एनिमल स्किन को बिछाते हैं एज फ्लोरिंग तो उन उसकी वजह से क्या होता है इग्लूज जो होते हैं वो वार्म रहते हैं प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल हाउसेज बिल्ट ऑन स्टिल्स आर कॉमन इन एरियाज वेयर इट रेन्स हैवीली अ स्टिल्ट हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म which is a few feet above the ground this keeps the occupants of the house safe from flood waters as well as from snakes and insects stilt houses ऑल्सो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है उन एरियाज में बनाए जाते हैं ताकि जो रेन वाटर है वो घर के अंदर ना आ सके और इनसेक्ट और स्नेक से लोग बच के रह सके इनकी जो रूफ्स है वो भी स्लोपी बनाई जाती है ताकि रेन वाटर है जो वो इजिली ड्रेन आउट हो सके ओके okay? नाउ

कम नुकसान हो लोगों को और इस तरीके के जो हाउसेज हैं दोबारा से इजीली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं ओके नीड्स टेंट टेंट्स आर टेम्परेरी हाउसेस दे आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स कैंपर्स सोल्जर्स एंड स्काउट्स दे कैन बी कैरिड एनी टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस टेंट्स क्या होते हैं वो कैनवास के बनाए जाते हैं और इसे जो माउंटेनियर्स होते हैं या फिर स्काउट्स होते हैं कैंपेनर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं इसे कैरी करते हैं ये इजीली एक प्लेस से दूसरी जगह कैरी किए जा सकते हैं नाउ कारवा इज पुल्ड बाय अ कार इंजन और एनिमल्स इट इज मूवेबल हाउस इट इज डिजाइन फॉर पीपल टू लिव एंड स्लीप इन देखिए कारवा क्या होता है ये एक हाउस होता है मूविंग हाउस होता है ये या तो इंजन कार इंजन के थ्रू कैरी किया जाता है या फिर एनिमल्स के थ्रू ओके okay? इसमें लोग इजीली रह सकते हैं और मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर नाउ लेट अस लुक एट वाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर मेड इन द सेम प्लेसेस देखिए अब हम पढ़ेंगे कि सेम प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स के जो हाउसेज हैं वो क्यों बिल्ड किए जाते हैं अवेलेबल स्पेस Earlier, when large plots of land were available, people built single-storied big houses with lots of open spaces. The well of people built bungalows. The bungalow has many rooms, it may also have a big lawn or a garage. Deekhye. पहले के लोग जो होते थे वो अपने घरों को बिल्कुल खुले स्पेस में बनाया करते थे और जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बंगलोज ग्रो करते बनाते हैं और बंगलोज जो होते हैं काफी बड़े होते हैं उसमें बहुत सारे हाउसेस होते हैं और उसमें लोन या फिर गैरेज भी होता है ओके आगे बढ़ते हैं ना अ डेज मोर एंड मोर टोल बिल्डिंग्स आर बींग बिल्ट इन बिग टाउन एंड सिटीज शॉर्टेज ऑफ स्पेस

स्पेस जो है वो कम पड़ रहा है लोगों के रहने के लिए इसीलिए इस तरीके की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं ओके नाउ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ हाउस इज अनदर रीजन वाई हाउसेस इन द सेम प्लेस आर डिफरेंट देखिए ये भी एक रीजन है कि घर बनाने की जो कॉस्ट है वो काफी डिफरेंट है और इसी वजह से जो डिफरेंट हाउसेज है वो सेम जगह पे पाए जाते हैं ओके okay? कच्चा हाउस इट डस्ट मच मनी टू मेक अ कच्चा हाउस सच हाउसेज आर बिल्ड विद बैम्बू क्ले एंड स्ट्रो अ कच्चा हाउस विद स्ट्रो इज कॉल्ड अ थर्स्ट हर्ट कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रोंग देखिए कच्चा हाउसेज जो होते हैं वो वुड से जैसे बैम्बू वुड हो गई आपकी इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते बनाने में इसे रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है इजीली और ना ही इसमें टाइम लगता है बनाने में ठीक है अब वो हाउसेज जिन पे स्ट्रोज का यूज किया जाता है जिनकी रूफ पे उन्हें क्या बोला जाता है थर्स्ट हट्स बोला जाता है ये कच्चे हाउसेज होते हैं नाउ चोल चोल कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ वन रूम हाउस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज इन चोल इज़ वेरी हाई cholls are built in densely populated areas which are not much space is available they एक चॉल जो होता है उसमें एक जो घर होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रूम होता है ओके okay? वहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट कराना ज़्यादा हाई ज़्यादा हाई प्राइजेस पे नहीं होता है ओके okay? ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में पाया जाता है मतलब जहाँ पे बिल्कुल भीड़ भड़क का जैसे जगहें होती हैं वहाँ पर चॉल्स वग़ैरह बनाए जाते हैं ठीक है और ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होती है तो एक रूम जब बन पा रहा है चॉल में इतने सारे कमरे होते हैं जिसमें एक पूरी फैमिली रहती है ठीक है एक कमरे में पूरी फैमिली रहती है तो वो बहुत ही कम स्पेस वहाँ पे होता है लोगों के रहने के लिए ओके नाउ पक्का हाउस पक्का हाउसेज आर मेड फ्रॉम बिल्डिंग मटीरियल सच एज ब्रिक्स सीमेंट स्टील एंड कॉन्क्रीट बंगलोज फ्लैट एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर पक्का हाउसेज़ और परमानेंट हाउसेज यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू कंस्ट्रक्ट पक्का हाउस देखिए पक्का हाउस जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए हमें कॉन्क्रीट सीमेंट स्टोन्स इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ओके तो ये जो हाउसेज़ होते हैं पक्का हाउसेज़ होते हैं ये पर्मानेंट हाउसेज होते हैं जैसे कि बंगलोज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स ओके और इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस भी लगता है ओके

प्लेस कवर्ड विनोट इन और स्नो फॉल होती है या फिर वो ट्वेल्व मंथ किससे कवर्ड रहते हैं स्नो से ही कवर्ड रहते हैं ओके okay? नाउ ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं हाउस बोट बोट इज अबोट विद इट इट फ्लोट्स ऑन द लेक डल लेक इन श्रीनगर इज इंटरनेशनली फेमस फॉर इट्स हाउस बोट्स देखिए हाउस बोट्स जो होती हैं वो बोट्स होती है जिन पर हाउसेस बनाए जाते हैं और वो फ्लोट करती है वाटर में डल लेक जो की श्रीनगर में है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनली फेमस है अपनी हाउसिंग बोट्स के लिए ओके okay? आइए आगे बढ़ते हैं नाउ अवेलेबल मटीरियल इन हिली फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड हाउसिज एज वुड इन सच प्लेस इज इजीली अवेलेबल इन प्लेसि वर स्टोन लाइक सैंड स्टोन इज इजी अवेलेबल पीपल यूज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टू मेक द हाउजिज देखिए हिली और फॉरेस्ट एरियाज में क्या होता है लोग अपने घर वुड के ही बनाते हैं क्योंकि वुड जो होती है वो इजीली अवेलेबल होती है और जिन एरियाज में स्टोन ज्यादा अवेलेबल होते हैं लोग स्टोन के ब्लॉक्स यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए ओके okay? आइए आगे बढ़ते हैं पोस्ट डू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इको फ्रेंडली हाउस एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स ये आप खुद से करेंगे लिविंग टुगेदर ऑल ऑफ अस लिव टुगेदर इन सोसाइटी दैट इज वाई वी आर कॉल्ड सोशल बींग्स a group of families living together in a particular locality make a neighbourhood people who live near your house are called neighbours people of a neighbourhood share some common facilities like parks roads markets hospitals schools places of worship etc on the basis of the number of people living in an area the settlement is called a hamlet अ विलेज अ टाउन अ सिटी देखिए सब लोग जो होते हैं जो अपने घरों में रहते हैं वो एक सोसाइटी क्रिएट करके रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम सोसाइटी बोलते हैं अब इस चीज को क्या बोला जाता है सोशल बीइंग बोला जाता है लोगों से इंटरेक्ट करना सबके बारे में जानना आपके नेबरहुड में हर एक चीज अवेलेबल होना तो ये क्या होता है सोशल बीइंग होता है आपके नेबरहुड में पर्टिकुलरली हर वो चीज मिलेगी जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होती है ओके okay? तो उसी जगह पर स्पेशली लोग घर बनाते हैं जहां से आपकी नीड जो है इजिली पूरी हो सके जैसे कि हॉस्पिटल्स मार्केट्स रोड्स पार्कस वर्शिप प्लेसिस स्कूल्स एंड ऑल ओके नाओ अब लोगों के बेसिस पर कि वो लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की सेटलमेंट कैसी है उन एरियाज को क्या बोला जाता है हैमलेट सिटी टाउन या फिर विलेज ओके इन सिटीज सम पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ हाउस लिव ऑन फुटपाथ बस स्टॉप्स और ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स दे आर होमलेस पीपल ओके सिटीज में कुछ लोग जो कि घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग फुटपाथ पे स्टेश पे या फिर प्लेटफॉर्म से रेलवे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ पर रहते हैं ऐसे लोगों को हम होमलेस पीपल कहते हैं ओके एनिमल्स डेट लिव टुगर लाइक अस इंसेक्ट लाइक एंड्स एंड बीज ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स दे हमारी तरह ही इंसेक्ट जैसे कि एंट्स हो गई और uh, बीज हो गई ये सब क्या करती हैं एक ग्रुप में रहती हैं आपने देखा होगा चीटियां एक साथ मूव करती हुई और आ, बीज का जो छत्ता होता है वो एक ही होता है तो सब एक साथ रहती हैं ओके एंस देर आर थ्री काइंड ऑफ एंस क्वीन एंड फीमेल वर्कर एंड एंड मेल एंड वाइल द क्वीन एंड ले एग्स द वर्कर एंड्स लुक आफ्टर द एग्स एंड ऑल्सो फाइंड फूट द एंड मेक अ होम विथ क्ले सैंड एंड स्टिक इट इज कोल्ड एन एंड हिल्प Inside an ant hill, there are numerous chambers connected to one another through tunnels. The ants use these chambers to lay eggs, to store food and to take rest. देखिए ants जो होती हैं वो three types की होती हैं एक होती है queen ants, दूसरी होती है female workers और तीसरा जो होता है आपका male ants होते हैं okay? जो queen ants होती हैं वो eggs lay करती हैं और जो आपकी female worker ants होती हैं वो food ले कर के आती हैं ओके okay? और देखिए जैसे कि एंट्स जो होती हैं वो अपना घर भी बनाते हैं जैसे कि क्ले से सैंड से से स्टिक से, इसे क्या बोलते हैं एंट हिल बोलते हैं एंट हिल में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और रोज होती हैं जिनके थ्रू जो लोग होते हैं ये जो एंट्स होती हैं ये इजिली मूव ऑन कर पाती हैं और जो क्वीन एंड्स होती हैं यहीं पर अपने एग्स को ले करती हैं ओके okay? और यहीं पे फूड स्टोर करके रखते हैं और रेस्ट भी करते हैं ना आगे बढ़ते हैं

called drones and many worker bees in a beehive the queen bee lays eggs the male bees help the queen bee to reproduce the worker bee build clean and protect the beehive ऑल्सो कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन द बी हाइप देखिए बी जो होती है जिस ग्रुप में रहती है उसे क्या बोलते हैं बी हाइप है, मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम बोलते हैं ओके okay, तो एक ही क्वीन होती है जो की एग्ज ले करती है और बाकी क्या होती है आपकी वर्कर्स होती है बी वर्कर्स होती है और कुछ क्या होते हैं मेल बीज होते हैं नाओ क्वीन जो होती है वो एग्स ले करती है मेल बीज़ जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करने में जो क्वीन बी होती है उनकी हेल्प करते हैं ओके okay? और जाकि बाकी जो आपकी बच्ची वर्कर बीज़ वो क्या करती हैं फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं और बी हाइव में लेके आती हैं ओके okay? वो बी हाइव को बिल्ड करती हैं क्लीन रखती हैं और प्रोटेक्ट भी करती हैं ओके नाउ सम अप अ हाउस must suit the climatic conditions of a place in which it is built in places which experience hot climate houses usually have thick walls high ceilings and flat roofs tents are used as temporary houses by mountaineers campers soldiers and scouts a chol consists of rows of one-room houses a group of families living together in a particular locality makes a neighbourhood on the basis of the number of people living in an area द सेटलमेंट इज कॉल्ड अ अलेज अ विलेज अ टाउन और अटी इन साइड एन एंड हिल देर आर न्यूमरस चैम्बर्स कनेक्टेड टू वन अदर थ्रू टनल सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे